2021 को लॉस एंजलिस में 93वें एकेडमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार के समारोह का आयोजन किया गया। ये पुरस्कार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। अमेरिका ड्रामा नोमैडलैंड ने सबसे ज़्यादा 3 पुरस्कार जीते। नोमैडलैंड की निर्देशक क्लो झाओ का सबको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। वो इस पुरस्कार को हासिल करने वाली एकमात्र दूसरी महिला और पहली एशियाई महिला बन गई हैं। भारतीय अभिनेता इरफान खान और भारत की पहली ऑक्सर पुरस्कार विजेता कस्टोरियम डिजाइनर भानु अथैया को 93वें अकेडमी पुरस्कार समारोह के समृद्धि खंड में सम्मानित किया गया। हर साल की तरह अकेडमी पुरस्कार ने 3 मिनट के लिए इस मेमोरियम मोटाज में फिल्मी जगत के इन दिग्गज सितारों को याद किया जिनका पिछले एक साल में निधन हुआ था। मेडलैंड सबसेट निदेशक क्लो झाओ, सबसेट अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडरमंड नोमैडलैंड के लिए, सबसेट अभिनेता एथनी हॉपकिंस द फादर, सबसेट सहायक अभिनेत्री यू झंग मिनारी, सबसेट सहायक अभिनेता डेनियन कलविया, सबसेट ओरियन स्किप ट्रेले प्ले प्रमिसिंग यंग वुमेन, सबसेट एमी नेमेट पिक्चर फिल्म सोल, सबसेट अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर फिल्म अंदर राउंड डेनमार्क, सबसेट ओरिजिनल स्कोर सोल, सबसेट ओरिजिनल सॉन्ग फाइट फॉर यू, सबसेट वृत्तचित्र माया ऑक्टोपस टीचर, सबसेट लघु वृत्तचित्र कोलेट, सबसेट लघु फिल्म लाइव एक्शन टू डिस्टेंट स्ट्रेजर्स, सबसेट एनिमेटेड लघु फिल्म इफ एनीथिंग हैपन्स आई लव यू, सबसेट साउंड साउंड ऑफ मेटल, सबसेट प्रोडक्शन डिजाइन मैंक, सबसेट छायांकन मांक, सबसेट कस्टोडियम डिजाइन मा राइनीज ब्लैक बॉटम, सबसेट फिल्म संपादन साउंड ऑफ मेटल, सबसेट विजुअल इफेक्ट टेनेट। कलिंग पुरस्कार 2021 2 अप्रैल 2021 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आदिकवि सरला दास की 600वीं जयंती और सरला साहित्य संसद के 40वें वार्षिक समारोह के दौरान कटक में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को ये पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार को सरला साहित्य संसद द्वारा स्थापित किया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार में देवी सरस्वती की एक चांदी की प्रतिमा और एक तांबे की पट्टिका प्रदान की जाती है। वर्ष 2007 में कलिंग रत्न पुरस्कार हर साल उड़ीसा के एक योग्य व्यक्ति को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। आदिकवि सरला दास उड़िया साहित्य के क्षेत्र में एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे। 15वीं शताब्दी में सरला दास लिखित सरला महाभारत एक क्षेत्रीय भाषा में पहला पूर्ण महाभारत है। उड़िया भाषा और साहित्य में सरला दास के योगदान के कारण उन्हें उड़िया साहित्य का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था ऑक्सर अवार्ड 2020 और कलिंग अवार्ड 2021, जिसमें पूरी जानकारी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।